हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DRDO के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यानी कि इन तीनों ट्रेड से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 68 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 67 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उसको बनाने से आपको एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यानी कि जिस टॉपिक से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि अगर उस टॉपिक से आने वाले एग्जाम्स में अगर वहाँ से क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं एक खजाना वीडियो के नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस है, और यहाँ से 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे। इसीलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। और मैंने GK और GS का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 जाचक के अंदर कौन सी चूड़िए कटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये RRB अजमेर ALP 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 3 जाचक में अंदर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेथ जाचक में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। यानी कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो लेथ जो जाचक जो होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, यानी कार्बन स्टील। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये भेल हैदराबाद फीटर 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ चक के बारे में, तो लेथ चक एक प्रकार का कार पकड़ने का साधन है। अगला है, इसमें जॉब को पकड़कर विभिन्न कार्य क्रियाएँ की जाती है। चक की स्क्रॉल प्लेट, वेबल, पिनियन, जबड़े आदि कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं, और इसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेथ मशीन में कोण पुल्ली का क्या काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि जॉब की गति को परिवर्तित करना। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ मशीन में कौन पुली का कार्य जॉब की गति को परिवर्तित करना होता है। इसकी सहायता से जॉब की गति को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूड़ी काटे जाने वाले डाई को पकड़ने एवं खरादन वाले उपकरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि स्टॉक।
अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे किसी जॉब पर कार्य करते समय जिस साधन के द्वारा जॉब को पकड़ कर प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को स्टॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मल्टीपल टूलिंग लेआउट में संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी में। अब देख लेते हैं कौन कौन से में। तो एक तो कैप्स्टन लेथ, दूसरा क्या है तो प्लेनो मिलर, तीसरा क्या है तो प्लेनर, यानी कि इन तीनों में। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल औजार लेआउट कैप्स्टन लेथ प्लेनो मिलर प्लेनर में संभव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कौन सतह की बनावट में सुधार लाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रेक एंगल। और ये जो प्रश्न है ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कारखंड के फेस पर लंब और औजार के फेस के बीच के कोण को रेक कोण कहते हैं, इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लंबी जॉब को बीच से लटकने के किस युक्ति द्वारा सहारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टडी। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ पर कार्य करते समय लंबे तथा भारी छड़ के लचीलेपन के प्रभाव को रोकने के लिए लेथ स्टडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रल लेथ का एक भाग टम्बलर गियर होता है, इसे इसलिए प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह फीड की दिशा बदल सकता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये DRDO मैकेनिक डीजल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेंटर लेथ का एक भाग टम्बलर गियर होता है जो हेड स्टॉक में होता है, इसका प्रयोग द्वारा फीड की दिशा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेथ कटिंग टूल में रेक धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोन धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB मालदा ALP 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ कटिंग टूल में रेक जो कोन होता है वो धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मोड स्टेपर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मानक टेपर है। मोड स्टेपर निम्नलिखित संख्या में उपलब्ध होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 से 7। और ये जो प्रश्न है ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोड स्टेपर सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला टेपर है, इसको प्रायः MT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह 8 प्रकार के स्वीकृत मानक टेपर हैं। कौन कौन से, जैसे 0 से लेकर 7 तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय किस प्रकार के चिप्स निकलने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लंबे घुंघराले चिप्स निकलने चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है।
तो ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय लंबे घुंघरेले चिप्स निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लेथ पर मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंगल पॉइंट टूल द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ पर मल्टी स्टार्ट चूड़ी सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा काटी जाती है, जो टूल कंपाउंड रेस्ट पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 83 दांते युक्त किसी गियर को पीसने के लिए इंडेक्सिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी इंडेक्सिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिफरेंशियल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 83 दांते युक्त तो किसी गियर को पीसने के लिए डिफरेंशियल इंडेक्सिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। टेपर टर्निंग संलग्नक किसको काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बाहरी एवं भीतरी दोनों टेपर्स। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर टर्निंग अटैचमेंट बाहरी एवं भीतरी दोनों टेपर्स को काटने के लिए प्रयोग करते हैं, यह खराद मशीन पर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित त्रुटि आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्की सरफेस फिनिश। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कंपाउंड स्लाइड को कंपाउंड रेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा टेपर टर्निंग त्रुटि हल्की सतह फिनिश आ सकती है। कंपाउंड स्लाइड हस्तचलित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मोटरसाइकिल वॉशर में प्रयुक्त स्प्रिंग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेलिकल संपीड़न स्प्रिंग। और ये जो प्रश्न है ये UPRV UNL टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड फीटर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये स्प्रिंग वृत्ताकार आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन के तार से बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग सबसे अधिक मोटरसाइकिल वॉशर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दो समांतर शाफ्ट किसके द्वारा जुड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीधे स्पर गियर से गियर के द्वारा जुड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये UPRV UNL TG सेकेंड फीटर 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दो समांतर शाफ्ट सीधे स्पर गियर द्वारा जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सामान उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ टाई रस्सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मनीला रस्सी है। और ये जो प्रश्न है ये UPRV UNL टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड फीटर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सामान उठाने के लिए
मनीला रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बेल्ट में स्लिप होने की वजह से बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कम हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB ALP फीटर 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बेल्ट में स्लिप होने की वजह से बेल्ट का वेग अनुपात कम हो जाता है। अगला इसका पॉइंट है बेल्ट में लचीलापन होना चाहिए। अगला इसका पॉइंट है बेल्ट का पुली के साथ घर्षण अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूनिवर्सल कपलिंग कौन से वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लचीली कपलिंग। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB अजमेर ALP 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल कपलिंग के बारे में, तो यूनिवर्सल कपलिंग लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए ये लचीली कपलिंग के अंतर्गत आती है। यह कपलिंग अधिकतर ऑटोमोबाइल वाहनों में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक बार ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो खजाना वाला जो वीडियो है वो सभी ट्रेडों के लिए है। ये सभी ट्रेडों के लिए, यहाँ से 5 से 6 नंबर तो आपके पक्के आएंगे ही आएंगे। इनमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।